जय हिंद दोस्तों। तो चलिए फिर से नए कहानी पे आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए आज का जो ये वीडियो है, ये कहानी है चाची की आत्मा। ये भूतिया कहानी है, ठीक ना, भूत की बहुत ही डरावनी कहानी है। तो अंत तक जरूर सुनिएगा कहानी को। तो चलिए वीडियो को करते हैं प्रारंभ। देखिए ये जो कहानी है यह एक आंखों देखी घटना है। एक बार जो है गर्मी के छुट्टियों में मैं और मेरी बहन मामा के घर घूमने गए थे। मामा के घर में नानी मुझे बहुत प्यार करती थी और मेरी बहनों को यह पसंद नहीं आता था क्योंकि वे थोड़ी शरारत वाली और थोड़ी मस्ती भी करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, तब मेरे मामा मुझे मेरे घर ले आए। वो भी मेरे घर पर रुक गए। जब मेरी माँ की तबीयत सही हो गई तब मामा जी बोले कि मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। मैं मामा से कुछ बोल पाता इसके पहले ही माँ ने मामा को बोला, हाँ भैया अब मैं ठीक हूँ, आप घर चले जाइए, मेरे घर पर मैं और मेरी माँ ही बची। दो चार दिन बीत गया, पर एक दिन रात में मुझे जोर की प्यास लगी और मैं आंगन में पानी पीने के लिए उठी। तभी मेरी नजर ऊपर गई और मैंने देखा कि धुआं जैसा कुछ उठ रहा है। तब मैंने अपनी माँ को जगाया और माँ को बोला, माँ ऊपर देखो, यह काला काला धुआं जैसा क्या उठ रहा है। मेरी माँ समझ गई कि ये मेरी चाची की आत्मा जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले मेरी चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारी बड़ी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। मेरी माँ ने मुझे सुला दिया और खुद घर के पीछे बैर का पेड़ लगा था उसी के नीचे बैठकर रोने लगी, क्योंकि बकाइन मेहंदी के पेड़ पर हमेशा रात 11 बजे के आसपास चुड़ैल आत्मा भूत प्रेत निवास करते हैं और उसी पे चाची की आत्मा भी रहती थी। तभी मैंने देखा कि मेरी माँ के आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। मेरे दिमाग में कुछ ना सूझ रहा था। एक बार हम लोग 8वीं कक्षा में जब पढ़ रहे थे तो गुरु जी ने बताया था, कभी भी भूत प्रेत या आत्मा दिखाई दे तो गायत्री मंत्र का जाप करो, बजरंग बली का नाम लो, तो आत्मा वहां से डर कर भाग जाएगी। उस वक्त यह बात मुझे याद आ गई और मैंने वैसा ही किया जैसे गुरुजी ने बताया था। आज मैं और मेरी माँ सही सलामत है, लेकिन जब से मेरी माँ के साथ ऐसा हादसा हुआ है तब से माँ को थोड़ी भूलने की बीमारी और थोड़ी डरने की बीमारी हो गई और एक कमरे में बंद रहने लगी, क्योंकि बाहर अभी भी चाची की आत्मा दिखाई देती है। लोग बोलते हैं कि यह असत्य है, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है यही चलता है। तो दोस्तों यही था कुछ कहानियां। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। बाय बाय।